दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बजट ट्राइपॉड जो बहुत ही कम कीमत में और काफ़ी अच्छे मुझे दराज की तरफ से मिले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल टॉप फॉर यू को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल के आइकन को दबाना मत भूलना। तो दोस्तों मैं इसे पहले अनबॉक्स कर चुका हूँ लेकिन फिर मैं इसे एक बार आपके सामने फॉर्मेलिटी के तौर पर अनबॉक्स करता हूँ। तो समझते ही हैं यार आप, इसमें दोस्तों आपको एक मोबाइल होल्डर मिल जाएगा सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें दराज के बॉक्स से जब आप इसे निकालेंगे इसका जो अपना ऑफिशियल बॉक्स है वो आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसका नाम 313, जैसे आप लोगों को पता है नोकिया 3110 मोबाइल था, इसका भी वही वाला नाम है। तो दोस्तों आप इसको मतलब अपने पीछे बैग की तरह डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं अगर आप किसी ट्रिप वगैरह पे गए हैं या फिर अगर आप कहीं और गए हैं। तो चलो यार इसे हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं और देखते हैं इसका साइज़ वगैरह कितना है। साइज़ दोस्तों इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा है अगर आप बैठ के वीडियो शूट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप खड़े होकर वीडियो बनाना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा यार। चलो यार फिलहाल इसका साइज़ देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कितना है इसके। दोस्तों साइड पे बटन टाइप लगे हुए हैं लॉक टाइप, आप क्या करें इसे अनलॉक करें और उसके बाद जब आप पीछे खींच लें तो इसे आप दोबारा लॉक कर लें तो ये क्या होगा कि अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली इन्हें अनलॉक करना है और उसके बाद दोबारा आप इसको ऊपर से मतलब ये चुटकी टाइप है जैसे हम उर्दू में कहते हैं, आप क्या करें इसे दोबारा लॉक कर सकते हैं। चलो यार देखते हैं, तो यहाँ पर हम इसे लॉक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका साइज़ इतना है कि अगर आप एक बैठ के वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप एक काफ़ी अच्छी वीडियो बना सकते हैं। तो देख सकते हैं यार आप इसमें मतलब काफ़ी कुछ अच्छी वीडियो बनने का चांस होता है। तो चलें यार इसमें अब हम क्या करते हैं, मोबाइल होल्डर जो है वो ऊपर फिक्स कर लेते हैं और मैं आपको इसमें मोबाइल लगा के दिखाता हूँ कि मोबाइल इसमें लगने के बाद किस तरह लगता है। तो चलो यार हम क्या करते हैं, इस होल्डर के ऊपर बनी हुई होगी आपको मिल जाएगा, तो आपने क्या करना है इसके अंदर होल्डर को फिक्स कर देना है और उसके बाद आपने मोबाइल सिंपली इसमें लगा देना है। तो यार आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल इसमें लग चुका है, तो काफ़ी यार ज़बरदस्त लग रहा है अगर आप अच्छी वीडियो शूट करना चाहते हैं। अगर आप घर पे वीडियो शूट करना चाहते हैं तो यार मेरे ख्याल में मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये ट्राईपॉड खरीद सकते हैं। तो यार देख लो आप इसका साइज़ का, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा तकरीबन 4.5 फीट आप कह सकते हैं इसका साइज़ है। तो दोस्तों मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, 700 इसकी कीमत है।